आप सभी लोगों ने मूवीज, नॉवेल और कार्टून में एक मॉन्स्टर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे विक्टर फ्रैंकस्टाइन नाम के एक सनकी साइंटिस्ट ने मुर्दों को दोबारा जिंदा करने के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया था। पर भले ही ये मॉन्स्टर हमेशा से एक फिक्शनल कैरेक्टर की ही तरह देखा गया, लेकिन ये फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर की इंस्पिरेशन असल में कुछ असलियत में हुए एक्सपेरिमेंट से ली गई थी। तो क्या था फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर का सच और कहां से मिली थी इसकी इंस्पिरेशन, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर का जिक्र हमें पहली बार मिलता है साल 1818 में लॉन्च हुई बुक फ्रैंकस्टाइन में, जिसे मैरी शेली नाम की एक राइटर ने लिखा था। मैरी शेली ने अपनी बुक में डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टाइन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है कि किस तरह विक्टर फ्रैंकस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट, जो कि एक्सपर्ट थे फील्ड ऑफ नेचुरल साइंस और इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन विक्टर ने मरे हुए इंसान और जानवरों की डेड बॉडी का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर बनाने की कोशिश करी थी। और तो और विक्टर ने उस डेड मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए दोबारा जिंदा भी करके दिखाया था। हालांकि जब फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर को जब विक्टर ने बनाया था, उस टाइम पर यह मॉन्स्टर काफी लॉयल था विक्टर के लिए, पर आगे चलकर क्योंकि विक्टर ने अपने हाथों से बनाया इस क्रीचर को सिर्फ उसकी अपीयरेंस की वजह से छोड़ दिया था, इसलिए अपने ही क्रिएटर विक्टर और सोसाइटी दोनों के रिजेक्ट करने की वजह से ये मॉन्स्टर सच में धीरे धीरे इविल बन गया और इसने डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टाइन से ही रेवेंज लेने की ठान ली। पर एक्चुअली में फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर की इंस्पिरेशन मैरी शेली को असलियत में हुए कुछ एक्सपेरिमेंट से मिली थी। जब मैरी शेली ने फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर नाम की बुक लिखी थी, उससे सालों पहले लुइगी गलवानी नाम के साइंटिस्ट ने मरे हुए फ्रॉग के लेग पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया था। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉग के लेग से पास होता है तो उनके मसल्स पर मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक शुरुआत थी। जब किसी इंसान ने मुर्दा को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतिहास में ऐसा कुछ दोबारा नहीं होना था, बल्कि आगे आने वाले सालों में भी कई और साइंटिस्ट ने मुर्दों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करी थी। अगली इंस्पिरेशन जो लोगों के हिसाब से मैरी शेली को इस फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर को लिखने से पहले मिली थी, वो थी साल 1803 में, जब मैरी शेली की उम्र तकरीबन 5 साल की ही थी। तब जॉर्ज फॉस्टर नाम के एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उसने अपनी बीवी और बच्चे दोनों को ही जिंदा पानी में फेंक दिया था। और फांसी के बाद जब जॉर्ज की मौत हो गई, तो उसकी डेड बॉडी को जॉनी अल्डानी नाम के एक साइंटिस्ट की वर्कशॉप में भेज दिया गया था, ताकि जुवानी उस बॉडी पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन जैसे ही जुवानी ने इस मर्डरर की बॉडी के बारे में सुना, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स और तो और दूसरे लोगों के सामने इस बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने थे, वो एक्चुअली में 1800 का पीरियड था, इसलिए उस टाइम पर साइंटिफिक रिसर्च को लोग एक जादू या मैजिक ट्रिक की तरह देखते थे। इसलिए उस टाइम के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट पब्लिकली ही परफॉर्म किया करते थे, और इन एक्सपेरिमेंट को देखने बड़ी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा होती थी, जिसके बाद जियोवानी इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले डेड बॉडी के कानों को सॉल्ट वाटर में डिप किए हुए स्पंज के पीसेस से भरते हैं। आप लोगों को ये बता दे कि पानी में सॉल्ट डालने की वजह से पानी की कंडक्टिविटी कई गुना तक बढ़ जाती है। इसके बाद जियोवानी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए दोनों कानों में इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी से पास होती है, तो उस डेड मैन की बॉडी शेक करने लगती है और तो और उसके जबड़े खुलने और बंद होने लगते हैं, और कुछ देर बाद तो उस डेड बॉडी की आंखें तक खुल जाती हैं। जो लोग वहां मौजूद ये एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, वो लोग ये सोच कर दहशत में आ गए कि जियोवानी एक्चुअली में उस मर्डरर को दोबारा से जिंदा कर रहे हैं। यहां तक कि उस डेड बॉडी में हुआ ये एक्सपेरिमेंट इतना घिनौना दिख रहा था, इसलिए वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने तो उल्टी तक कर दी थी। इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने के बाद ये ब्रिटेन में काफी चर्चा का विषय बना, और ब्रिटेन के गवर्नमेंट सर्किल में ये बहस तक छिड़ गई कि अगर सच में इस मर्डरर की डेड बॉडी अगर दोबारा से जिंदा हो गई, तो उस केस में लॉ के हिसाब से क्या इस मर्डरर को छोड़ दिया जाएगा या फिर इसको दोबारा से फांसी लगाई जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट के फेमस होने के बाद कई और साइंटिस्ट ने डेड बॉडीज पर रिसर्च करना शुरू किया, और उस टाइम पर ब्रिटेन में भी एग्जीक्यूशन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए रिसर्चर्स को डेड बॉडीज की सप्लाई भी अच्छे से मिल रही थी। एक और एंड्रयू एयर नाम के साइंटिस्ट भी इसी तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए चर्चा में थे, और कई बार अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एंड्रयू ने थोड़ी देर के ही लिए सही पर इन डेड बॉडीज को दोबारा से सांस लेने की स्टेजेस तक ले आए थे। पर इस तरह के
बढ़ते रिसर्च की वजह से ही लोकल चर्चेस ने इन एक्सपेरिमेंट को बैन करने का फैसला किया, क्योंकि चर्च के हिसाब से ये साइंटिस्ट एक्चुअली में डेविल या सैटनिज्म को प्रमोट करते हैं। लेकिन फिर भी जो एक्सपेरिमेंट मेन इंस्पिरेशन बना था मैरी शेली की फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर की, वो था 1817 में हुआ ब्रेन रिमूविंग एक्सपेरिमेंट, वो भी एग्जैक्टली एक साल पहले जब 1818 में मैरी शेली ने फ्रैंकेंस्टाइन बुक लॉन्च करी थी। 1817 में एक नेचुरल फिलोसोफर कार्ल अगस्त विनहोल्ड ने ब्रेन रिमूव करने का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो भी एक कैट पर, जहां पर विनहोल्ड ने एक कैट के ब्रेन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर एक बैटरी बनाने की कोशिश करी थी ताकि उसके दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सके। और विनहोल्ड के हिसाब से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि किसी भी जीवित चीज के लाइफ के पीछे इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, और इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से ही किसी भी मुर्दा चीज को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। इसलिए उस कैट के दिमाग में ही इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए विनहोल्ड ने उसके ब्रेन को रिमूव करके उसमें जिंक और सिल्वर भर दिया था, जिससे उसका दिमाग एक बैटरी की तरह ऑपरेट करने लगा था, क्योंकि एक एक्चुअल बैटरी में भी जिंक उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। विनहोल्ड के हिसाब से जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपनी कैट पे परफॉर्म किया था, तब ब्रेन रिमूव होने के बावजूद भी उस कैट ने अपनी आंखें खोली थी और वो थोड़ी देर के लिए उठ के खड़ी हुई और दोबारा से फिर गिर गई। विनहोल्ड के द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट में कितनी सच्चाई थी इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उस टाइम में काफी चर्चा में आया था, जो कि मेन इंस्पिरेशन बना था मैरी शेली के फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर की, जिसे विक्टर फ्रैंकेंस्टाइन ने मरे हुए जानवरों और इंसानों के बॉडी पार्ट, अजीबोगरीब केमिकल्स और इलेक्ट्रिक स्पार्क से बनाया था। पर एक और घटना थी जो कि मैरी शेली की लाइफ से ही जुड़ी है, जो हो सकता है कि इस फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर के इंस्पिरेशन के पीछे की थी। वो घटना थी मैरी शेली के पैदाइश के बिल्कुल ठीक 2 साल पहले, जब उनकी मदर ने डिप्रेशन की वजह से ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी मदर की मौत के बाद उन्हें दोबारा से रिवाइव तक कर दिया गया था, वो भी उस टाइम पर जब मेडिकल फील्ड में भी इतनी तरक्की नहीं हुई थी। तो वैसे तो मैरी शेली के लाइफ के अराउंड कई ऐसी असली घटनाएं हुई थी फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर लिखने से पहले। तो आपको क्या लगता है कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या कोई फ्रैंकेंस्टाइन जैसा मॉन्स्टर बनाया जा सकता है? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।